शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से पायल जो इस घर में करने आई है वो तो वो करके रहेगी। अभय के दिल में तेरी जगह लेकर रहेगी ये पायल। अभय को इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो श्रद्धा। क्या बात है, क्या हुआ है कीर्ति? कम से कम तुम ही ना हमें कुछ बता दो। मम्मी चाची जी अभय की दूसरी शादी करवाना चाहती है क्योंकि दीदू माँ नहीं बन सकती। भैया आप लक्ष्मी देवी को जानते हैं क्या? कितना कर्जा वापस लेना है आपको उनसे? इनके ऊपर तो दस्तों चोरी चकारी के केस दर्ज हैं। ऐसी गलती नहीं करेंगे भाभी जी, हमको माफ कर दीजिए आप। तुमने एक औरत की इज्जत पर हाथ डालना चाहा, तो ये नहीं जानता है कि तू अगर औरत की इज्जत नहीं करेगा तो वो भी तेरी इज्जत पर बात कर सकती है। हम और अपनी गलती की माफी मांगते भाभी जी, हमको माफ कर दो भाभी जी, हमको माफ कर दो। माफी के भी तेरे लायक भी नहीं है तू। तू नहीं जानता एक औरत देवी का रूप होती है। तुम्हारी बहन ने हमें आंटी जी बोला था, है ना? तुम्हें इतना मारेंगी, इतना मारेंगी, पूरे खानदान को ना अंकल की याद आ जाएगी। श्रद्धा, डॉक्टर शादी रोको। अरे इसको सरकार पुलिस बनाएगी। अभी आती होगी पुलिस। श्रद्धा को छेड़ेगा तू है? मनोहर मनोहर होने वाला। जाओ जाओ भैया। अरे लक्ष्मी, ये पायल अभी तक आए क्यों नहीं है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा दूसरी शादी कर रहा है। अरे पापा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, मेरी दूसरी शादी हो रही है। बदतमीज, अनुज। अभय बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर तुमने शादी की तो तुम जेल भी जा सकते हो। अरे भाई साहब, ये कैसी अशुभ बात कर रहे हैं आप? अरे तनुजा जी, अशुभ काम तो आप करा रही हैं, हमारे बेटे की दूसरी शादी करा कर। शुभ मुहूर्त में विवाह होना अनिवार्य है, दुल्हन को बुलाएं। बस थोड़ी देर हो पंडित जी, मुहूर्त को निकल जाने दीजिए। अरे लक्ष्मी, देखो पायल तैयार क्यों नहीं है, अभी तक मुहूर्त निकला जा रहा है। वो तनु, पायल का तो वो, अरे हम ही देख के आते हैं। अरे आजकल के बच्चों को ना समय की कोई अहमियत ही नहीं। समय बीत जाएगा पर दुल्हन नहीं आएंगी। भाई सब ठीक तो है ना? ठीक, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। बाथरूम जाने के बहाने वो पायल भाग गई है। क्या
अच्छा, मैंने बाथरूम में जाके देखा, वहां पे खिड़की खुली हुई और उसका कोई आता पता नहीं। ये तो यहाँ आ गई। अबे भाई के भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। श्रद्धा जल्दी आओ, पर मैं इसके साथ फेरे लेने पड़ जाएंगे मुझे। दूसरे को वरमाला पहनाओ। चलो पायलिया तो पहुंच गई, लेकिन ये पुरपक मनोहरवा कहां रह गया? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ श्रद्धा से प्यार करता था, इसीलिए हमने तुम्हें अगवा किया था, लेकिन तुम फिर भी यहाँ आ गई। अभी भी वक्त है, सोच लो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं मंडप पर सही समय पर आ गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा, तुम यहां यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस घूंघट के पीछे मैं हूँ। बस एक बार ये शादी हो जाने दीजिए अभय, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनु हरि। पंडित जी, थोड़े शॉर्टकट में मंत्र पढ़िए ना, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। जी, सर्व मंगल मांगलय शिवे सवास साधिके। थाने में भी इतने डंडे नहीं पड़ते जितना आप लोगों ने लगा दिया। ये और इसका परिवार है इस लाइफ। हम भी देखते हैं कि जेल के बाहर कैसे आता है, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। इसकी चिंता मत कीजिए आप लोग, इतने केस हैं इनपे, एकदम लंबा जाएंगे अंदर। वापस दौड़ना बहुत पछताएगा।
अगर हमको जाने नहीं दिया ना तो इन सभी देवियों को भून देंगे। ठीक है। गोली मत चला, गोली मत चला। अपने लोगों को बोल के हमारे लोगों को छोड़ूंगा। छोड़ दो, चलो चल पीछे। आप लोग घर जाइए, हमें कानपुर के सभी थानों में अलर्ट भेजना है, पता नहीं ये किसके लिए खतरा बने। चलो श्रद्धा समय पर पहुंचे, पता नहीं शादी के मंडप में क्या हो रहा होगा। अब दूल्हे की माँ दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कर। मैं अभय को नहीं छोड़ पाऊंगी। श्रद्धा की किस्मत की लकीरों में कोई संतान का योग बनता ही नहीं। अब फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाए। जी पंडित जी, मैं अपनी नजरों के सामने अपने ही घर में यह तमाशा करते हुए नहीं देख सकता। आपके घर के दोनों बेटों ने हमारा अपहरण किया था कि ताकि हम इस मंडप तक नहीं पहुंच पाए। कैसे हम बाथरूम की खिड़की से कूद के यहाँ तक बस्ते बचाते आए हैं। तो मैं क्या करता मम्मी, आपको कितनी बार बोल चुका था कि मुझे पायल के साथ शादी नहीं करनी है। तुमने हमसे झूठ बोला, मतलब इतना बड़ा धोखा।
दिखा मुझे, अभय हमारा खून है और हमें यकीन था कि ये हमें कभी धोखा नहीं देगा। रिश्ते के खिलाफ ही थे तो हम आपको काहे माने। आपको सबूत चाहिए ना, ये देखिए। ये है सबूत। ये है वो सारे गहने जो अपने घर से चोरी हुए थे। और ये हमने इनके बदतमीज बेटे को मार मार के निकलवाया है। मम्मी आपको तो पता भी नहीं है कि श्रद्धा भाभी के साथ इन्होंने क्या करने की कोशिश की। तो भगवान का शुक्र है कि हम सब वहां पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और इतना ही नहीं मम्मी जी, इन लोगों ने आपके भरोसे का फायदा उठाया है सर। ये लोग कोई दूर गांव से नहीं बल्कि यही कानपुर के रहने वाले हैं। दस से भी ज्यादा पुलिस केस दर्ज है इनके नाम पे, पुलिस के पास रिकॉर्ड है इनका चोरी और जालसाजी के। यहाँ के लोग इन्हें दिन रात ढूंढ रहे हैं क्योंकि लाखों से भी ज्यादा इन्होंने उनका कर्जा ले रखा है। जानती है मम्मी जी, उस दिन अलमारी में भी बंद इन लोगों ने ही मुझे किया था। मुझे डंडे से मारा, मुझे मुझे फांसी पर लटकाने की कोशिश की। उस दिन रसोई में भी आग इन लोगों की ही वजह से लगी थी। आपकी साड़ी को जलाकर आपकी जान बचाने की ये सिर्फ इनकी एक साजिश थी, एक नाटक किया था इन्होंने ताकि आपकी नजर में ये लोग अच्छे बन सके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। और तनुजा, तुम इन लोगों को हमारे परिवार के साथ जोड़ना चाहती थी। देख लिया तनुजा जी, अगर ये शादी हो जाती तो हमारे घर के वारिस में एक अपराधी का खून होता। तनुजा भाभी, हमारी कही हुई बात कभी आपको बुरी लग सकती है, मगर अपने हमेशा अपने होते हैं। आपने इन पराए लोगों के लिए, जिन्हें आप ठीक से जानती भी नहीं, उन्हें हमारे कमरे में जगह दे दी और हमें हमारे कमरे से बाहर कर दिया था। हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने छीन ली।
कितनी गिरी हुई हरकत की तुमने। पता होता तो तुम जैसी को तो बहू बनाना दूर की बात है, हम अपने मुंह तक नहीं लगाते। ना बिटियन वो बहुत बहुत मैं चाकू मत निकाला कर, अभी हमको इन लोगों के मुंह नहीं लगना है, हम लोगों को इनका रिश्तेदार बनना, समझी? सही कह रही हो अम्मा, इनको तो हम पहले ही सासू माँ बना चुके हैं, अब है जी तो हमको मंगलसूत्र पहनाएंगे, इसी मंगलसूत्र से अब इनका लत दबा देंगे। रुक जाइए, हमारे साथ मंडप पर चलिए पति देव जी। हमने कहा चलिए। सुने नहीं जिज्जा जी, ये तो हमारी बहन ने क्या कहा, सुने? अरे पकड़ो एक। या फिर बनेगा शादी का घर, सोच रहे हो क्या करना है आप लोगों को? नहीं भाभी, ये तो यहाँ आ गया, ये तो पुलिस पुलिस कहाँ रह गई? मैं लगा था फोन। अरे ओ अंकल जी, क्या कर रहे हैं? हाँ पुलिस को फोन मिला रहे थे, तोहरा कोई को बात बताएं, वहां से निकलने से पहले हम पुलिस की गाड़ी के टायर की हवा को निकाल दिए थे। वो कहा है कि जब तक पुलिस वहां से यहां आएगी तब तक ये हमारे जिज्जा जी और हम उनका साला बन जाएंगे। है? दुश्मनी मुझसे है तो इन लोगों को तो जाने दीजिए ना, आज पूरा परिवार देखेगा कि हम इस गठबंधन को कैसे तोड़ते हैं। क्या देख रहे हो पंडित जी, सीधा फेरों के मंत्र पढ़िए, बस दुल्हन ही बदली है। चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे। क्या करूं, कैसे रोकूं? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।